नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल का वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपको नीचे जरूर कमेंट करिएगा आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। जैसे देखिए श्याम भाई ने जो कि आपको यहाँ तक कमेंट किए हैं कि राजू भाई थोड़ा देखिए हनुमान जी के जयंती पर वीडियो बनाए थे, इसलिए हम इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। और श्याम भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे डिमांड किए किस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इसी तरह से डिमांड करते रहिए, हम आपको लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए बिना बकवास करते हुए बिना इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपका एप्लीकेशन जरूरी पड़ेगा जो कि कैन मास्टर। कैन मास्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको क्रिएट नाउ जो बटन दिख रहा है यहाँ पर सबसे ऊपर में देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह का आपका जो भी इंटरफेस आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। और जो भी यहाँ देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पर मतलब सेलेक्ट करने के लिए आपको बता रहा है, तो प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, 60.9 का जो रेशियो है यूट्यूब के लिए यही जो रेशियो आपको यहाँ अच्छी तरह से वर्क करता है, अच्छी तरह से देखने में अच्छा लगता है, तो 60.9 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। और आप अगर दूसरा चीज़ के लिए अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे आपको मतलब इंस्टाग्राम रील के लिए बनाना चाहते हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। और आप बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, जैसे मतलब फेसबुक के लिए करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, यूट्यूब के लिए यहाँ सेलेक्ट करते हैं 60.9 रेशियो का और यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपका जो भी गैलरी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। आपको जो मोबाइल फोन में जो भी गैलरी होगा आपको खुल जाएगा, तो आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। और जब डाउनलोड कर आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग फाइल को यहाँ से ओपन कर लेना, और जैसे ओपन करिए तो क्या करना है, कुछ जो कि बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है तो सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर लेना और वीडियो को बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ बैकग्राउंड एक वीडियो है, इसको वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, खुद वीडियो को हम खुद से इसको डिजाइन किए हैं और खुद से इसको बनाए हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। जैसे कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बना है जो बैकग्राउंड है, तो इसमें सेकंड चैनल पर इसका जो मतलब इसको डाल दिए हैं, सेकंड चैनल पर चल जाना है और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत हो रहा था उसको लिंक मतलब जो भी जो सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जैसे जाइएगा तो वहाँ पर देखिए मतलब उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो वहाँ से जाकर उसको वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब से अगर डाउनलोड करना अगर जानते हैं तो आप यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आपको कुछ इस तरह का जो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे वीडियो को फर्स्ट बनाना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। जैसे मीडिया आप क्लिक करिएगा और उसका फिर से आपको गैलरी खुल जाएगा, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाएगा। जब डाउनलोडिंग फाइल जैसे जाएगा उसका देखिए मेरे पास यहाँ पर हनुमान जी का जो PNG इमेज है, इस तरह का आपका इमेज को ले लेना, ठीक है। इमेज देखिए आपको ये देखिए इसको आपको 4 सेकंड तक रहेगा, इसको क्या करना है, इसको 5 सेकंड कर देना, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देना, इसको 5 सेकंड कर देना है, 5 सेकंड का इसको साइज का थोड़ा सा छोटा कर लेना। छोटा करने तो क्या करना है, इसको इस जगह पर ले आना, ठीक है। इस जगह पर ले आइए और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना। लगाने तो क्या करना, चाबी का आइकन दिख रहा है इस साइड में, देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट में लिखा हुआ सॉरी चाबी का आइकन दिख रहा है लेफ्ट में, इसको इस पर क्लिक करिए और यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना। इस इमेज को लास्ट में आना, ठीक है। लास्ट में आने बाद यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना, क्लिक करके इसको हम ऊपर खींच के इस तरफ कुछ इस तरह से इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से इसको अंदर इस तरह छुपा देना, कुछ इस तरह से आपका जो इमेज लग जाएगा, ठीक है। जैसे लग जाएगा तो क्या करना है, फिर से आपको चलना है 5 सेकंड पर, और जैसे ही 5 सेकंड पर आइएगा तो उसका क्या करना है, आपको यहाँ से लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो इसको लेयर का ऑप्शन हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। तो दोस्तों जैसे डाउनलोडिंग फाइल जाए उसका देखिए मेरे पास फिर से हनुमान जी का जो PNG इमेज है और इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको लेयर को यहाँ से बढ़ा देना, ठीक है। कम से कम यहाँ देखिए आपको 20-22 सेकंड तक इसको कर देना, देखिए यहाँ ऊपर टाइमिंग दिखा रहा होगा, 20-22 सेकंड तक इसको कर देना। 22 सेकंड तक करना तो क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, इस पोजिशन पर इसको लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इस पोजिशन में कुछ इस तरह से इसको लगा लेना है, इसको साइज को बड़ा छोटा आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्रॉपिंग का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए क्रॉपिंग का आइकन, इस पर क्लिक करना है, स्विच को ऑन कर देना। ऑन करना देखिए नीचे फेदर का ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ से फेदर को बढ़ा देना, ठीक है। इसको यहाँ से देखिए आप जितना इसमें रखना चाहते रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे 45% कर देंगे, ठीक है। आपको 45% कर देना, जिसको 40 पर भी रख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम 40 पर भी रख देते हैं और 40 पर रख के ऐसा मौके कर देंगे, कुछ इस तरह का देखिए इसके अंदर जो हो जाएगा, ठीक है।
आप क्या करना है इसके अंदर एक इफेक्ट लगाना, इफेक्ट लगाना है जाना आपको एन एनिमेशन में, और सबसे नीचे जाइए और यहाँ से सॉरी इंटर स्लाइड योबल ऑप्शन में क्लिक करिए, इसको रेशियो को आपको टू सेकंड कर देना, ठीक है। तो आपको टू सेकंड कर दीजिएगा, टू सेकंड करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉप करिए, यानी कि 6 सेकंड तक उसको स्क्रॉप करना है, 6 सेकंड स्क्रॉप कर लीजिए और इसको देखिए, इसको आपको 6 सेकंड कर लेना है स्क्रॉप, और उसके बाद फिर से आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। उसका देखिए मेरे पास एक ट्रे वाला जो PNG इमेज है इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ट्रे वाला PNG इमेज को यहाँ से ले लेते हैं, और लेने में क्या इसको भी हम लेयर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको जहाँ तक वीडियो बनाना चाहते हो वहाँ तक इसको लेयर को बढ़ा देना, हम इसको 22 सेकंड तक इसको बढ़ा दिए। बढ़ाने में क्या करना है, इसको रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए रोटेट फोन मोड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर इसको साइज को इस तरह से बढ़ा देना, इस तरह से बढ़ा के हम इसको क्या करेंगे, इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लगा देना, ठीक है। देख लीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लगाइए तो देखने में थोड़ा बेहतरीन और अच्छा लगे, कुछ इस तरह से इसको लगा देना। लगाने यहाँ से आपको क्या करना है, इसके अंदर भी एनिमेशन डालना है जो कि देना आपको एन एनिमेशन में, और देखिए यहाँ पर इंटर सॉरी स्लाइड लेफ्ट वाला जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और रेशियो को आपको 1.5 कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको चलाना 8 सेकंड पर, आपको 8 सेकंड पर आइए, उसके बाद फिर से आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है और मीडिया क्लिक करना है। मीडिया आप जैसे क्लिक करेगा उसके बाद फिर से आपको डाउनलोड की फाइल चल जाना है। उसका देखिए मेरे पास यहाँ पे एक लड़की का इमेज है, तो हम यहाँ पे लड़की का इमेज को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे लड़की का इमेज को सेलेक्ट करेंगे, वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत और कहीं भी प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में, ठीक है। उसका यहाँ से लेयर को यहाँ से लेंथ को बढ़ा देना, इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, और बढ़ाने में क्या करना आपको, इस जगह पर आपको लड़की का इमेज को यहाँ पर लगाना होगा, साइज को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना, थोड़ा सा बड़ा करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और इसको इस जगह पर कुछ इस तरह से इसको लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पर लगाने में क्या करना आपको, इसके अंदर भी एनिमेशन डालना होगा जो कि जाना आपको एन एनिमेशन में, और सबसे नीचे जाइए और यहाँ देखिए इंटर स्लाइड यो ब्लॉक ऑप्शन सेलेक्ट करिए, इसको रेशियो को 1.5 कर देना, ठीक है। इसको 1.5 कर दीजिए और 1.5 करने में क्या करना आपको, थोड़ा सा स्क्रॉप और करिए, थोड़ा सा स्क्रॉप जैसे ही करिएगा तो आपको कुछ इस तरह के यहाँ देखिए आपको इफेक्ट दिखेगा। आपको चलाना, आपको देखिए 10 सेकंड पर जाना है, लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है। मीडिया जैसे ही क्लिक करिएगा आपको देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है, हम यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल चल जाते हैं। देखिए उसका देखिए मेरे पास यहाँ वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो जो ब्लू स्क्रीन वीडियो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना, इसको सेलेक्ट करके डिस्प्ले को पूरा फुल करना है, इस तरह से फुल कर लीजिए, और इस तरह से फुल करना नहीं आता आपको थोड़ा सा नीचे जाएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिखा है स्क्रीन का, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है, सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए, जैसे ही सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो डिस्प्ले पर क्या होगा, इस पूरा फुल हो जाएगा। फुल होने बाद क्या थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ देखिए आपको एक म्यूजिक सॉरी यहाँ जो आपको स्पीकर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक को म्यूट कर देना है, यानी कि बंद कर देना है, या तो इसको यहाँ से वॉल्यूम को यहाँ से 0 कर दीजिए, उससे भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से कुछ को किसी को भी यूज कर सकते हैं। उसका इसको वीडियो क्लिक करिए और थोड़ा सा नीचे जाना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाइए और यहाँ से क्रोमा के ऑप्शन में क्लिक करना है, स्विच को ऑन कर देना। ऑन जैसे करिए तो आप कुछ इस तरह के आप देखिए इफेक्ट बन जाएगा। आप क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से आपको नीचे वाला को 60% कर देना, ऊपर वाला को 40% करके आपको कुछ इस तरह से आपको लगा देना, लगा दे देना, लगाना तो यहाँ से ओके कर देना। कुछ इस तरह का देखिए आपको जो वीडियो यहाँ तक बनेगा। आप क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट में जाना, फर्स्ट में आइए, यहाँ से लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिए उसका देखिए मेरे पास यहाँ पर नेचुरल फ्लावर PNG मुझे इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दें, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारा वीडियो में इसको यूज करें तो आपको बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे डाउनलोड करिए उसका यहाँ से लेयर को इसको बढ़ा लेना, ठीक है। इसको लेयर को इस तरह से बढ़ा दीजिएगा और बढ़ाने के इसको साइज को यहाँ से पूरा फुल डिस्प्ले कर लेना है। पूरा फुल डिस्प्ले करने में क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिएगा, नीचे करने में कुछ इस तरह से आपको देखिए जो इस तरह से आपको जो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। जैसे लग जाए क्या करना, आपको वीडियो को पूरा फर्स्ट माना है और फिर से आपको लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे मीडिया का ऑप्शन क्लिक करिएगा तो उसको देखिए मेरे पास यहाँ पर जो एक रिलिक्स वीडियो है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने में क्या करना आपको, थोड़ा देखिए कुछ इस तरह का आपको रिलिक्स वीडियो मिल जाएगा। इसको क्या करना आपको इस तरह से, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना, ठीक है। आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दीजिए, रोटेट करके इसको यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से इसको लगा दीजिएगा। लगाने में क्या करना आपको, 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना, बैक कर दीजिए। बैक करने में क्या करना आपको, वीडियो को इस तरह से चलाना लास्ट में और यहाँ को थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेडिंग वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्किन पर आपको सेट कर देना, सेट कर दीजिए। और सेट करने में कुछ इस तरह का देखिए आपका जो वीडियो यहाँ तक बन जाएगा। आप क्या करना, थोड़ा सा इसको लास्ट में आ जाना है, थोड़ा सा देखिए इसको पार्ट को कट करना होगा, ठीक है। आपको चलाना है 21 सेकंड में, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको इस पोजिशन में आ जाना है ताकि इसको यहाँ से कट करना हो। 21 सेकंड पर आ जाइएगा और 21 सेकंड पर आने में क्या करना आपको, यहाँ से जो रिलैक्स वाला वीडियो क्लिक करिए और कैंची अगर क्लिक करिए, देखिए ट्रिम टू राइट वाला जो ऑप्शन देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए। और सबसे ऊपर जाइए और जो बैकग्राउंड वीडियो इसको इस पर क्लिक करिए, कैंची के आइकन पर क्लिक करिए, ट्रिम टू राइट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना।
बटन है क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए वीडियो कुछ इस तरह से आपका यहाँ तक का बनकर तैयार हो जाएगा। आप क्या करना है, वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो आना। पहले यहाँ से साउंड को हम यहाँ से कम कर लेते हैं और यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डिस्प्ले पर दो वीडियो और शो कर रहा है किसी वीडियो के लिए वीडियो देख सकते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।